आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। राशन डीलर की दबंगई, शिकायतकर्ता की सरेआम की पिटाई। बिजनौर एक शिकायतकर्ता को राशन डीलर की शिकायत करना भारी पड़ गया। राशन डीलर ने शिकायत करने वाले युवक को अपने चार साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इस पिटाई में युवक गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक के परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित युवक ने दबंग राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पिटाई का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर देते हुए पुलिस से इंसाफ मदद मांगी है। हम आपको बता दें, इंतदा नाम के व्यक्ति ने अभी हाल में 20 मई को हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के उमरी के राशन डीलर अर्शद की दबंगई की शिकायत जिला प्रशासन से करते हुए राशन की गाड़ी को अन्य जगह पर राशन उतारते हुए पकड़वाया था। इस बात को लेकर राशन डीलर अर्शद इंतजार से कुंदस रखने लगा। राशन डीलर अर्शद ने चार लोगों के साथ मिलकर आज इंतजार की जमकर पिटाई कर डाली। इस पिटाई में इंतजार काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं गंभीर हालत में पीड़ित के परिजनों ने इलाज के लिए पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाज कराने आए इंतजार ने बताया, उसके गांव का दबंग राशन डीलर अर्शद की शिकायत उसने जिला प्रशासन के अधिकारियों से की थी और राशन की गाड़ी अन्य जगह से पकड़वाई थी, जिसके बाद राशन विक्रेता पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन राशन विक्रेता अर्शद ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं पीड़ित ने एक बार फिर थाने में तहरीर देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार अहमद है। इंतजार भाई, क्या हुआ है आपके साथ? मामला ये हुआ सर, मैंने 20 तारीख को थाने वालों को गाड़ी पकड़वाई थी राशन डीलर की जी, मोहम्मद अरशद की जी, जो वायरल भी हुई थी। हाँ, जो वायरल भी हुई थी जी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था जी। अधिकारियों फोन करा, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को जी, और जिला पूर्ति अधिकारी को। उन्होंने कहा कि जांच करेंगे जी। सुबह को जांच करी तो डीलर का जो साला है मोहम्मद अरशद का, उसने कहा कि मुझसे खरीदा जी, जबकि हमने उसके घर से गाड़ी पकड़वाई भागती हुई उससे जी। उसके बाद उन्होंने क्लीन चिट दे दी एसडीएम साहब ने जी। आज मुझे घेर के अफसर ने, मोहम्मद अरशद ने, और एक अरशद का भाई है और एक भांजा है। अच्छा, इन्होंने मुझे पकड़ के मारा। किस बात पे? इसी बात पे मारा जो आपने आवाज उठाई कि तैने गाड़ी क्यों पकड़वाई, हमारा राशन क्यों पकड़वाया। अच्छा। दबंग किस्म का आदमी है, 302 का पहले से ही मुलजिम रह चुका, और हमने तो ये समझा था कि योगी सरकार में हमारी मदद होगी। मदद का नतीजा हमारी पिटाई है, आप खुद देख सकते हो। अब आप क्या चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो जिला प्रशासन में सरकार से? मैं इसका चाहता हूँ कोटा निरस्त हो जाए, और इसे जो इनने मुझे मारा है इसकी सजा इसे मिल जाए, समझे जी। बस मेरा तो यही कहना है कि योगी जी से भी कि हमारी मदद करने का ये नतीजा निकला कि हमें मारा गया, और पुलिस हमारी सही मदद कर रही, पुलिस की कोई शिकायत नहीं, पुलिस ने हमारा मुकदमा लिखा। पता ये चला है कि इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी भी थाने में मंगा ली है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी थाने में मंगा ली है, बिलोरो, उसमें राशन भरा हुआ है। ठीक।